बजमन नारायण नारायण नारायण। तिते आप कहाँ हो? टेंट हाउस में हो आप? और सो गाइस, मटर पनीर बन गया है, रायता भी बन गया है। अब मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने। ये माता का रास्ता बना। अरे 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 अरे, देखो कितनी लंबी फूलझड़ी है। लुक एट दिस। हे गाइस, हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, लुक एट माय रूम, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है ना। सुबह से साफ सफाई करते करते अभी जस्ट फ्रेशन अप हुए हैं हम। बाहर की साइड डेकोरेशन वगैरह जो थोड़ी बची थी, जैसे कि मैंने वीडियोस में शेयर की थी, थोड़ी सी मेरे घर पर डेकोरेशन बची थी, तो वो मैंने कर दी है। और करने के बाद अब जस्ट मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। दिवाली है आज, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं रेडी होने जा रही थी, तो मैंने दो तीन ट्रांजिशन रील्स बनाई हैं मैक्सी से ड्रेस में, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है एज़ यूजुअल। तो मैंने ट्रांजिशन रील्स बना ली हैं और अब मैं जस्ट रेडी होने जा रही हूँ। तो वो आपके सामने रील्स इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करूँगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। बाकी मैं कल एक ड्रेस लेके आई थी, हालांकि मैंने अपनी एक साड़ी जो मैंने एक साड़ी है मेरी शादी के बाद, मैंने आज तक उसको सिर्फ एक ही बार पहना है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली साड़ी, ये वाली साड़ी। ये साड़ी मैंने आज तक सिर्फ एक ही बार पहनी है, अभी तक इस साड़ी को दोबारा नहीं पहना। 5 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैं सोच रही थी कि ये वाला साड़ी मैं पहनूंगी आज, लेकिन उसका ब्लाउज़ बहुत टाइट हो चुका है, तो मैंने ब्लाउज़ ढीला करवाया था, तो आंटी को टाइम नहीं मिल पाया, वो नहीं कर पाई मेरा ब्लाउज़ ढीला। तो इस वजह से मैं अब वो ड्रेस पहनने जा रही हूँ जो मैंने कल शॉपिंग की है दिवाली की, उसमें मैं लेके आई हूँ एक ड्रेस मैं लेके आई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को अलमारी में से निकाल के कि वो ड्रेस क्या है और पहनने के बाद कैसी लगती है, तो प्लीज़ बताना ज़रूर आपको कैसी। सो गाइस, दिवाली की शॉपिंग पे हम एक्चुअली दो ड्रेसेस लेके आए हैं और दित्या के लिए भी मैं एक ड्रेस लेके आई हूँ, उसका भी पहनाऊंगी। तो जो दिवाली की शॉपिंग की है मैंने, उसमें मैं दो ड्रेसेस लाई हूँ, क्योंकि एक तो मुझे खुद से लेनी थी, हस्बैंड ने कहा था कि वो दिलवाएंगे, और दूसरा मेरी मम्मी ने कहा था कि अपने लिए भाई दूज के लिए कुछ ले लेना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं एक ड्रेस ही ले आई हूँ। तो वो ड्रेस है कि ये न्यू शॉप खुली है कोई आर्य समाज गली, उनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर जाएं और मेरा नाम लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा फॉर श्योर, बिकॉज मुझे भी मिला है डिस्काउंट। और ये ड्रेस है कुछ जिस पर लग के आपको भाई दूज पे दिखाऊंगी, तो एक ड्रेस है वो और एक ड्रेस है ये। तो ये ड्रेस मैं लेके आई हूँ गाइस, अभी पहनूंगी मैं उसको। और ये मैं लाई हूँ अपनी बेटी के लिए, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है मेरी बेटी का, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे कितना पसंद आया। लेकिन इसके इस ड्रेस को देखने के बाद ना, हमने फिर दूसरा ड्रेस देखा ही नहीं, बट इसको इमीडिएट पैक करवा लिया अपनी बेटी के लिए जो हमने ड्रेस लिया था, ठीक है। बाकी मैंने जितनी भी शॉपिंग करी है मीशो से दिवाली पे, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको बता दूँ, ये न्यू ब्लैंकेट, यू नो मखमल वाला, देखिए एकदम मखमली सॉफ्ट ब्लैंकेट, और ये मेरे हस्बैंड को तो गिफ्ट मिला था खैर, तो एसी ब्लैंकेट तो हमारे पास दो तीन पड़े हुए हैं, और मैं हर बार मिलते हैं मैं रख देती हूँ, निकालती कभी नहीं हूँ, बट मैंने सोचा इस बार निकाल ही लेती हूँ एक एसी ब्लैंकेट। ये मतलब एसी भी है और प्लस थोड़ा वैसा वाला भी है, लाइक छोटी मोटी सर्दी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो मैंने वो भी अभी यूज़ किया हुआ है। बाकी ये ड्रेस आपको डिटेल में दिखाऊंगी अभी जब मेरी बेटी पहनेगी। अभी तो मैंने एक जोड़ी और उसके नए कपड़े लिए थे जब मैं चंडीगढ़ गई थी, चंडीगढ़ से जो नए कपड़े लेके आई थी मैंने उसको वही पहना रखा है, वो पापा के साथ घूमने गई है मार्केट। फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। टेंटन है, तो ये है मेरा दिवाली का लुक, ये है मेरा यू नो धोती वाला सूट जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये सूट मैं लेके आई थी जस्ट शॉपिंग करके। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, वैसे तो मुझे फीडबैक मिल ही गया है ऑलरेडी, बहुत लोगों ने पसंद करा है इंस्टाग्राम के रील्स पे और इंस्टाग्राम पे डीएम्स पे मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों को ये सूट बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड तैयारी कर रहे थे पूजा की, कि पूजा का मुहूर्त था 7 से 9, तो उसी मुहूर्त में हमारी पूजा करनी थी हमें दिवाली की, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ।
ये चांदी की प्लेट जिसमें मैं सारे भगवान जी का जो भी पूजन में सामग्री चाहिए, फूल हार ये सब मैं रेडी कर रही थी। हस्बैंड पूछ रहे थे कि ये बेला के लाए थे वो गजरे, तो वो बेला के गजरे में से तुम्हें कितने यूज़ करने, तो मैं कह रही थी पहले माता को लगा देंगे, बच गया तो लगा लूँगी, वरना कोई इशू नहीं है, आप माता को लगा दो। तो ये बेला के गजरे, बेला के हार भगवान जी के लिए लेके आए थे हस्बैंड। तो ये रहे मेरे लक्ष्मी जी और गणेश जी, जो कि ऑलरेडी वस्त्र पहने हुए थे, तो आप देखिएगा कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ बताना कमेंट में ज़रूर। ये मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं जिसमें ऑलरेडी वस्त्र पहना रखे हैं, श्रृंगार उनका पूरा कर रखा है, तो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था, कलर भी इनका बहुत प्रिटी लगा मुझे। तो वही सब प्रिपरेशन अभी हम दोनों कर रहे हैं मिलकर। जो काम मुहूर्त में करने चाहिए वो मुहूर्त में ही हो जाए तो सही रहता है, इसलिए मैंने रंगोली स्किप कर दी। मैंने कहा पहले पूजा कर लेती हूँ, पाठ कर लेती हूँ, सब कुछ हो जाएगा ठीक है, उसके बाद में आराम से रंगोली बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिन भर वैसे भी टाइम नहीं मिल पाया मुझे, बहुत काम में बिज़ी रही थी मैं, तो बस इसलिए मैं रंगोली में लेट हो गई। तो मैंने कहा पहले पूजा कर लेती, वैसे भी बहुत टाइम था, तो 7:30 बजे अराउंड हमने पूजा की थी। मैंने कहा वैसे भी पूरी रात बची है, पूजा होने के बाद फिर हम करेंगे भी क्या। तो गाइस पूजा का मुहूर्त हो गया है और हमारे यहाँ रंगोली अभी तक नहीं बन पाई है, तो रंगोली मैं बाद में बनाऊंगी, अभी जस्ट हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये देखो थाली रेडी करी है अभी मैंने, इस थाली को लेके बाकी अपना फुल लुक मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, अभी बस थोड़ा सा देख लूँ। मंदिर में भजन बोल रहे थे तो उसका भी म्यूज़िक थोड़ा आ रहा था, मैंने इस वजह से स्पीड बढ़ा दी और वॉइस ओवर दे रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कॉपीराइट का इशू आ जाए। एक वीडियो में कॉपीराइट का इशू आ जाता है ना तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है यार, बड़ी गुस्सा लगती है ये म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक कहीं ना कहीं से कैसे भी करके यूट्यूब ले ही लेता है, और फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इस वजह से फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये रहा मंदिर, यहाँ पर चल रही है पूजा की तैयारी, पापा और पतिदेव जी मिल के पूजा की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद बस हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे, तो अभी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। तो मैचिंग मैचिंग हो गई, देखिए पापा और दिव्या तो मैचिंग मैचिंग कर रहे हैं भैया। अरे बूपे क्या लगा, ये दिव्या ने अपना मेकअप खुद से करा है, इधर वाला दिखाओ, इधर वाला, ये सब आई लाइनर लगाया है नित्य ने खुद से। अपना ड्रेस दिखा दो बेटा, कैसी लग रही जी किती, इन्होंने अपनी फुल ड्रेस नहीं पहनी है क्योंकि इनको फुल ड्रेस पहनने से गर्मी लग रही है, तो उसका अंदर वाला पहन लिया, उसके इसके ऊपर एक लेदर की जैकेट है बहुत ही प्यारी सी, तो वो इन्होंने पहनी नहीं क्योंकि इनको गर्मी लग रही है। और यहाँ पे हमारी ये पूजा की तैयारी चल रही है, तब पूरी तैयारी हो चुकी है, बस 11 बज रही है होने के लिए, और कुबेर महाराज जी की माला, साईं बाबा की माला से कर दो। बाजू मैंने नारायण 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 बाजू मैंने नारायण 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 माला की जय, लक्ष्मी माता की जय, कुबेर जी महाराज की जय, हनुमान बाबा की जय।
ठाकुर जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, साई बाबा की जय, गंगा मैया की जय, समस्त देवताओं की जय हो। जय लक्ष्मी माता की जय। जय श्री राम, जय कुबेर महाराज की जय। पूजा समापन के बाद फिर सबने मिलकर दीपक और मोमबत्ती लगाई थी छत पर। तित्या आप कहाँ हो? टेंट हाउस में हो आप? और गाइस ये रजाई लेके आए हैं, पकड़िए जरा, मैं भी छूलूं। So guys, यहाँ पे मैं बना रही थी। एक्चुअली मेरी खाने वाली भाभी सब बनाने गई थी, बट मैंने उनसे कहा था कि मटर पनीर और रायता मैं खुद बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को रायता मेरे हाथ का अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी। और मटर पनीर मम्मी ने, ओके सो मटर पनीर और रायता मैं बना रही हूँ, बाकी वो बना के गई। ओके बेटा ये लीजिए, प्लेजर बेटा जी। पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में घुस गई, फटाफट से मैंने किचन में सब्जी बनाई और रायता बनाया जो कि मेरा काम रह गया था होने के लिए, और मटर पनीर की सब्जी बनाई थी मैंने और बनाया था रायता, बाकी बने था मेथी के साग। सो गाइस मटर पनीर बन गया है, रायता भी बन गया है, अब मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने।
बहुत लेट हो गई थी, मैंने कहा रंगोली सबसे एंड में बनाऊंगी। ये हर साल कॉमन है मेरे यहाँ दिवाली पे रंगोली इसी जगह पे बनती है, सेम पोजीशन पे, बिकॉज ये स्क्वायर कलर, ये स्क्वायर जो है ना कि ये पोजीशन फिक्स है, मतलब मैं जब भी रंगोली बनाती हूँ यहीं बनाती हूँ, ये परफेक्ट लोकेशन है। आप निकलो, बैठो, आओ जाओ, गेट भी बंद कर दो, कुछ भी कर लो, मतलब यहाँ पे ख़राब नहीं होता। और मैंने रंगोली का जो सोचा था बनाने का वो मैं नहीं बना पाई टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो मैंने रेंडम बस जस्ट फ्लावर्स मेरे पास बहुत सारे थे, इनफैक्ट गेंदा बच भी गया था, बहुत सारा गेंदा बच गया था। और यहाँ ये मैं माता रानी के चरण लेके आई थी, मैंने कहा चरण बना दूंगी, तो बस वही चरण मैं बना रही थी रेड कलर के, तो रेड एंड वाइट दोनों कलर के बनाए मैंने। हस्बैंड बोल रहे थे कि उसी और कलर को भी यूज़ करो। सो गाइस मैं आपको घर का टूर देती हूँ, ठीक है, बैक कैमरा से, फिर हम लोग निकलेंगे सबको विश करने के लिए, फिर मैं बनाने के लिए। सो ये है कुछ ओवरव्यू, अब मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। देखो गाइस क्लियर क्यों नहीं हो रहा ये, राधे राधे, हैप्पी दिवाली बेटा। चप्पल बेटा आपके नंगे पर गई थी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, दूसरी पहन ली, आप पटाखे चलाते हैं, ठीक है बेटा। सो गाइस बहुत, ये कुछ मेरा डोर, और ये देखो मेरी रंगोली, बहुत जल्दी है बनाई। अभी हमारे पास फूल और बचे हुए हैं, यहाँ पे और लगाने थे फूल, बट अभी टाइम नहीं है तो इसलिए मैंने और नहीं लगाए। ये माता का रास्ता बना, अरे 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 अरे, देखो जान पूछ के खराब कर गई पैर। आप मम्मी की रंगोली खराब करते हो, देखो है अब पिटी, अब ये पिटी दित्या, आपकी चप्पल को रखी है स्टेयर पे। ये देखो गाइज मैंने बनाया कितने सारे फूल, ये बचे हुए हैं अभी, ठीक है। और उसके अलावा मैंने ये बनाया, दीपक मैं लेके आई थी, मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊंगी खूब सारी, तो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा दीपक लेके आई। बाकी ये सब शॉपिंग हस्बैंड जी करके लाए हैं, हमारे पतिदेव जी, ये सब बाद में कभी डिटेल में दिखाऊंगी, ठीक है। और एक दीपक मेरे पास ये वाला भी है, इस वाले दीपक का भी मुझे करके कुछ वीडियो बनाई थी, बट मेरे पास कोई टाइम नहीं है तो मैं नहीं बना पाई। और ये मेरा रूम, एक ये बेडशीट हस्बैंड लेके आए थे मेरे अभी, ये शॉपिंग भी मैंने मीशो से करी है। और एक मैंने बटरफ्लाई ली थी, वो मैंने अभी तक चिपकाई नहीं है, और यहाँ इस वॉल के लिए, बिकॉज ये पेंट खराब हो गया था इसमें इतना सा ही, तो इस वॉल के लिए मैंने कुछ मंगाया है मीशो से, जो कि अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, डिलीवर हो जाएगा मे भी भाई दूज तक, तो इस वजह से फिर भाई दूज के बाद उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ऑलराइट, सो ये चेयर कवर, ये शो पीस जो आप देख रहे हो ये भी मीशो का ही है। और ये अभी हम इतने सारे पटाखे रखे हैं हमारे, अभी हम जलाएंगे, अभी हमने जलाया नहीं है, ये सब बाद में जलाएंगे। दैट्स ऑल एंड दिस इज फॉर दिस कॉर्नर, एंड ये हमारी ड्राइंग रूम, ठीक है। तो कैसा लगा आपको घर प्लीज बताना, बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपको एक छोटा सा दे दिया, छत का तो मैं अभी कुछ दे नहीं पाई हूँ, ठीक है। ये सब डेकोर मैंने खुद से करा है, शॉर्ट वीडियोज में मैंने वीडियो डालूंगी, अभी फिलहाल डाली नहीं है। दित्या को चप्पल पहनाओ फिर चलो चल रहे हैं। है
हाय हाय अपनी छत पे आके बोला को ऊपर को पकड़ो ऐसे करके हाँ ये नीचे गिर के देखो पहले लो उठा उठा वो खड़ा वो उठा जल्दी अरे यार जाओ जाओ नहीं जाओ आगे जाओ आगे आगे जाओ ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे ऊपर करो ऊपर से दो मम्मी के चला चलाओ आ जा 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 जितने मम्मा की तरफ मुंह करो जितने अरे अरे नहीं हुआ अभी उठाओ अभी होगा कि भाभी हैप्पी दिवाली भैया हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली Yeah.
बेटा गोल 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 पटाखे जलाने के बाद हम लोग कॉलोनी में राउंड लेने चले गए थे। सारे भाभी भैया जितने भी घर थे सबके यहाँ गए थे हम लोग सबको विश करने दिवाली। और फिर उसके बाद सिंगल पिक्चर्स भी क्लिक करवाएं, कुछ कपल पिक्चर्स भी क्लिक करवाएं। उसके बाद ऐसी भाभी वगैरह के साथ सबके साथ फ़ोटो खिंचाया। रात के इन्हीं सब चीज़ों में 1:30 बज गया गाइस, 1:30 बजे दिवाली हमारी ओवर हुई है। रात के 1:30 बज रहा है और पीछे भैया भाभी के यहाँ दिवाली मिलके हम लोग अब आ रहे हैं। सबके यहाँ दिवाली मिलने गए थे। तो सबके यहाँ दिवाली मिलके आए हैं। 1:30 बज गया यार, रात के 1:30। सो गाइस बहुत सारी फ़ोटोज़ ली उसके बाद 1:30 बजे और उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह लेके क्लिक व्लिक करके हम लोग सो गए चेंज वेंज करके। तो ऐसा रहा मेरा कुछ दिवाली का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना गाइस, आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैंने शॉर्ट वीडियोज़ में डाल दी है, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।